सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 12 है उसका रहेगा, यानी कि एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफ़ी बार एचपी बोर्ड ने अपने फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है, क्योंकि जब तक हमें स्टेटमेंट का पता नहीं होगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट का जाना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। देखिए, आपके पास टू पोल दे रखे हैं, इफ यू हैव टू पोल्स, और जो उनका हाइट दे रखा है, एक पोल का हाइट है 6 मीटर और जो सेकेंड पोल है उसका हाइट है 11 मीटर, जिनको कि एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर खड़ा किया गया है। पोल समझते हो आप, ठीक है, टावर समझ लो, ठीक है। तो वो टावर हैं या पोल हैं, एक पोल का जो हाइट है वो 6 मीटर है और दूसरे पोल का जो हाइट है वो 11 मीटर है, और उनके जो फीट हैं यानी कि जहाँ से बेस, यानी कि जहाँ से उन पोल को खड़ा किया गया है, उनके फीट का जो डिस्टेंस है, एक दूसरे का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर है। तो हमें उनके टॉप का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि दोनों के जो टॉप हैं, जहाँ पर ऊपरी मंजिल जो आ गई पोल की, ठीक है, सबसे टॉप वाली मंजिल दोनों पोल की, उनका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपके पास एक पोल दे रखा है, ठीक है, पहले हम बेस बना लेते हैं, ग्राउंड बना लिया हमने, ठीक है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ये ग्राउंड हमने इसको लिख दिया इधर नाम, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक पोल कुछ इस तरह से है, ये जो पोल है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी पोल, और ये जो ए बी पोल है इसका जो डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि उसका जो हाइट दे रखा है, कितना ऊंचा है ये पोल, ये 6 मीटर है बी से लेके ए तक, और एक सेकंड पोल है, ये कुछ इस तरह से है सेकंड पोल, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी एंड देन सी डी नाम देता हूँ, ए बी एंड देन सी डी। तो ये जो सी डी पोल है इसका जो हाइट दे रखा है, यानी कि सी से लेके डी तक का, ठीक है, वो दे रखा है 11 मीटर, सी से लेके डी तक का। बात क्लियर हो रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, और ये फीट है, देखो बी और डी एक्चुअल में है क्या, ये फीट है, उनके पाँव हैं, तो उन पाँव से लेके एक दूसरे के पाँव तक का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, वो 12 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो ए से लेके सी तक जब हम पहुँचेंगे, ए से लेके सी तक जब ए को सी के साथ मिलाया जाएगा, तो बताओ भाई वो डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम इस 6 मीटर वाली लाइन को यहाँ से, अगर हम इस कोने को एक स्ट्रेट लाइन से इधर जोड़ दें, तो जितना ये ए बी होगा उतना ही ये पॉइंट, अगर मैं इसको पी मान लेता हूँ उतना ही ये पी डी होगा। इसका मतलब पी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस रहेगा, पी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो ए बी के बराबर होगा, यानी कि 6 मीटर, समझ रहे बात। और ये पी डी आ गया, हमें चाहिए सी पी। अब देखिए, ये 6 मीटर है, टोटल 11 मीटर है, 11 में से 6 चला जाएगा, तो आपके पास C से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अब जितना BD है, अब इस BD को भी मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, तो AP भी उसी के बराबर होगा, यानी कि AP का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी किसके बराबर होगा, 12 मीटर के बराबर होगा। A से लेके P तक का, समझ आ रहा है कि नहीं, A से लेके P तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो 12 मीटर होगा, A से लेके B तक का और P से लेके D तक का दोनों का डिस्टेंस बराबर रहेगा, और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये जो एंगल P है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब जो ए पी सी ट्राइंगल बनती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, उसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे और वहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम गिवन से चलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गिवन गिवन ए बी इक्वल टू 6 मीटर। ए बी क्या है, इट्स अ फर्स्ट पोल, ठीक है, देन सेकेंड पोल सी डी, कितना डिस्टेंस है इसका, 11 मीटर। सो हमारे पास पी सी विल कम आउट, पी सी कितना होगा हमारे पास, 11 माइनस 6 मीटर, और पी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 मीटर, ठीक है, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, यहाँ पे ए बी जो है वो पी डी के बराबर है, समझ रहे बात। ये हमारे पास पी सी का वैल्यू आ जाएगा, अगर ये हमारे पास 6 मीटर है ना, पी सी पी डी हमारे पास 6 मीटर है, तो पी सी कितना आएगा, 11 माइनस 6 5 मीटर, ये हमारे पास पी सी का वैल्यू आ गया बेटा। नाउ बी डी
नाउ बी डी विल इक्वल टू, बी डी किसके बराबर होगा, ए पी के बराबर, मीन 12 मीटर, ये 12 मीटर के बराबर आ गया। नाउ फ्रॉम द डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, नाउ फ्रॉम द डायग्राम, लुक एट द डायग्राम, ठीक है, लुक एट द डायग्राम, ए डायग्राम ए, इसको ए तो नहीं लेकिन के, इसको के नाम दे दिया हमने, इट्स अ डायग्राम के। इस डायग्राम के को जब हम देखते हैं तो हमें वहां से क्या मिलता है, लेट ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ए सी पी, ई सी पी सीम्स टू बी, ये कैसी दिखेगी आपको, ए सी पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। बात समझ रहे हो, बी डी जो है वो ए पी के बराबर है, पी सी का वैल्यू आपके पास 5 मीटर आ गया है, पी जो है वो एक स्ट्रेट पोल है, तो पी से लेके सी तक यानी कि स्ट्रेट है ना, और बेस, तो ये एंगल पी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एंगल पी विल कम आउट 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल की तरह दिख, स्ट्रेट एंगल तो 180 होता है, लेकिन ये देखिए ये जो पी सी का जो डिस्टेंस है इस तरह से बेस और ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, समझ रहे बात, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ठीक है, देन ए सी स्क्वायर बच्चों। अब देखिए पी और ए यानी कि ए पी का जो डिस्टेंस है वो 12 का स्क्वायर होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और पी सी का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और जब बच्चों हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 9, ये 6, देन 169, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 160 के बराबर, और ए सी विल कम आउट अंडर रूट 169, और वो वैल्यू कितनी होगी 13 मीटर, प्लस माइनस 13 मीटर होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस यहाँ से ए और सी के बीच का फाइंड करना है, तो वो कितना आ जाएगा 13 मीटर, अब नेगेटिव में तो नहीं लेंगे उसको, तो ये हमारे पास 13 मीटर क्या है, ये 13 मीटर आएगा पोल, जो आपके पोल थे उनके जो टॉप थे उनके बीच का डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स, बिटवीन द टॉप्स ऑफ द पोल कितना होगा बच्चों, विल कम आउट 13 मीटर। तो इस तरह से हम इसको बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन दिखे तो आप इस ट्राइंगल को ना, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे भी बना सकते हो, इस तरह से एक रफ डायग्राम आपने बना लिया कि ए है, ये पी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद ध्यान से इसको सॉल्व करना है, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। थैंक यू।